नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाचन तंत्र के बारे में, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर से जरूर पूछा ही जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पाचन तंत्र होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है आहार नाल और दूसरा है को सहायक पाचनांग। आहार नाल जो कि मुख से ले के और आपके मल द्वार तक फैला होता है, इसकी लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा जाता है आहार नाल की लेंथ कितनी होती है, तो ये 30 फीट होती है। आहार नाल की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ को सहायक पाचनांग, को सहायक पाचनांग का मतलब वो होता है कि जो पाचन में हेल्प करते हैं, जैसे कि लार ग्रंथियाँ, अग्नाशय, पित्ताशय आदि, इनके बारे में अभी विस्तृत में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो ये आहार नाल और को सहायक पाचनांग दोनों ही आपस में मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये कई बार ऐसा पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो स्टेज हैं यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो पाचन तंत्र का प्रोसेस है, उसमें कौन कौन से स्टेज आते हैं। तो सबसे पहला है अंतर्ग्रहण, इंजेशन जिसको बोलते हैं। जब आप फूड मटेरियल कोई भी खाना लेने को कहते हैं, इसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। डाइजेशन आप समझ ही रहे हैं, यानी कि जब भोजन का पाचन होता है। एब्जॉर्प्शन यानी पचे हुए भोज्य पदार्थों से जब न्यूट्रेंट्स आपके बॉडी में जाते हैं, उसको अवशोषण कहते हैं। और एसिमिलेशन, जो न्यूट्रेंट्स पचे हुए भोजन से निकले हैं उनका आपके आपके सेल्स में पहुंचना और उस सेल का भाग बनना, वो होता है एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसका शरीर से बाहर निकालना एलिमिनेशन कहलाता है। तो ये पांच हैं, स्टेज हैं डाइजेशन की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कई बार इसका क्रम पूछा जाता है। आइए अब हम बारी बारी से सबका एक बार में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन का प्रोसेस यानी कि पाचन का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख में जीभ, दांत और लार ग्रंथियां होती हैं। और इनका काम क्या होता है, जब भी आप कोई भोजन लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि आपने कोई भोजन लिया, तो जीभ और दांत और लार ग्रंथियां इसको दांत से काटने का काम करते हैं, जीभ से उसको रोटेट करते हैं, फूड मटेरियल्स को रोटेट करते हैं, और उसी बीच में जो लार ग्रंथियां होती हैं उससे लार निकलती है। तो लार में क्या होता है कि तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम हुआ और टाइलिन हुआ। ये सब एंजाइम्स मिलके भोजन में जो उपस्थित हैं उसको कंपोनेंट्स को डाइजेशन करने का काम करते हैं। तो जो सबसे पहला यानी कि फर्स्ट डाइजेशन जो आपका स्टार्ट होता है वो आपका माउथ से स्टार्ट होता है। तो लाइसोजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया होते हैं उनकी किलिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। जबकि जो टाइलिन होता है, टाइलिन एंजाइम ये क्या करता है कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके साथ ही जीभ में एबनर ग्रंथि भी पाई जाती है। एबनर ग्रंथि से एक स्त्रावण होता है लाइपेज का। ये क्या करता है कि जो फैट होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है, उनका ब्रेकडाउन करता है, उनको तोड़ने का काम करता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जानने वाली बात यह है कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो तीन जोड़ी होती हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो उसका आंसर है पैरोटिड। ये कान के पास पाई जाती है, ये है आपकी पैरोटिड ग्रंथि, ये कान के पास पाई जाती है। अब जब मुख में जो पाचन हो गया उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन आ जाता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने वाली ये बात है कि यहाँ पे कोई भी एंजाइम्स पार्टिसिपेशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे भोजन का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है और भोजन सीधे से नीचे की तरफ क्रमानुकुंचन गति करते हुए, इसकी गति को क्रमानुकुंचन कहा जाता है, जो भोजन नीचे की तरफ आता है और क्रमानुकुंचन गति करते हुए वो अमाशय में आ जाता है। क्योंकि भोजन फिर से बैक हो सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है, इसके लिए यहाँ पे दो संकोचक पेशी होती हैं, एक ऊपर साइड होती है और एक नीचे साइड होती है, जिसको ग्रास नलीय संकोचक पेशी कहते हैं। ये खाने को ऊपर जाने से रोकने का काम करती हैं। इस तरीके से भोजन
ग्रसनी और गासनी से होते हुए अमाशय में आके पहुंच जाता है। अब बात करते हैं अमाशय की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्या करता है, भोजन को एकत्रित करने का काम करता है, यानी कि भोजन पात्र के रूप में काम करता है। यहाँ पे भोजन काफ़ी लंबे समय तक रहता है और यहाँ पे क्या होता है कि तरह तरह के एंजाइम्स हैं, जैसे कि पेप्सिन है, ये क्या करता है कि पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके साथ ही इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं और जठर रस होता है, ये क्या करते हैं, ये सभी मिलके भोजन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसका मिश्रण करते हैं, उसका मंथन करते हैं। और जो मंथन के बाद जो जो लुगदी टाइप का जो मटेरियल बनता है उसको काइम कहते हैं, तो यहाँ पे काइम बन जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जानने वाली इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ग्रसनेली और ग्रासनली से भोजन आता है, कई बार एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है कि अमाशय के किस भाग में सर्वप्रथम भोजन पहुँचता है, तो आप ये जानिए कि अमाशय को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है कार्डिया, दूसरा फंडस और पाइलोरस, थर्ड है पाइलोरस। तो सबसे पहला है जो वो कार्डिया है, यानी कि जब भोजन अमाशय में प्रवेश करता है तो पहला भाग कार्डिया होता है जिसमें वो आता है। बात करते हैं इसके बाद अमाशय से भोजन सीधे आ जाता है छोटी आंत में आ जाता है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत जो है तीन पार्ट में होता है, जिसको ड्यूडनम कहते हैं, जेजुनम कहते हैं और इलियम कहते हैं। ड्यूडनम बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन में, यानी कि पाचन में, और जबकि जेजुनम और इलियम ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन में। जो भी फूड मटेरियल है, जो भोज्य पदार्थ है, उसको एब्जॉर्ब कराने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आइए समझते हैं कि छोटी आंत में होता क्या है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि पाचन का अधिकांश भाग संपन्न यहीं पे होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पाचन का अधिकांश भाग यहीं संपन्न होता है और भोजन का पाचन और बचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः, जैसा कि मैंने बताया कि अवशोषण जेजुनम और इलियम में होता है और जो पाचन होता है वो ड्यूडनम में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अग्नाशय, अभी हम इसके बारे में आगे बताएंगे आपको, तो होता क्या है, यहाँ पे अग्नाशय के एंजाइम होते हैं और जो आंत, जो आंत के खुद के अपने रस होते हैं और ये पित्त रस होता है, ये सभी मिल के क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थ को प्रॉपर डाइजेशन करने का काम करते हैं, उसको पचाने का काम करते हैं और कंप्लीट लगभग डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है भोजन का। अब यहाँ से भोजन जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत में पहुँच जाता है भोजन। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्योंकि डाइजेशन नहीं होना है तो यहाँ पे कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ जो बड़ी आंत होती हैं उसमें सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो विटामिन डी एंड के बनाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, विटामिन बी एंड के बनाते हैं। और साथ ही साथ बड़ी आंत में होता क्या है कि लगभग 90% जल और लवण का, साथ ही साथ विटामिन बी और के का अवशोषण होता है यहाँ पे। और अब जो काम की चीज़ें तो ले ली गई, यानी जल ले लिया गया, लवण ले लिया गया, विटामिन बी और के ले लिया गया, तो जो बाकी बचा अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, यानी जिसका पाचन नहीं हुआ है जिन चीज़ों का, उसका मल के रूप में निर्माण हो जाता है। और ये मल जो होता है ये जाके एकत्रित होता है सिग्माकार कोलन में। ये सिग्माकार कोलन यहाँ पे पाया जाता है, इस रीजन में सिग्माकार कोलन होता है, तो यहाँ पे जाके मल स्टोर हो जाता है और फिर बाद में वो एनस के रास्ते बाहर कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आंतरिक अंग के, जो कि यकृत है। ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो शरीर की होती है वो है लीवर, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है वो भी लीवर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बड़ा अंग नहीं, सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर है।
ये क्या करता है, विषैले पदार्थों का विसरण करता है जो भी डाइजेशन के दौरान या फिर बैक्टीरिया की एक्टिविटी के दौरान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ी आंत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वैसे भी शरीर में बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तरह तरह के टॉक्सिक मटेरियल यानी कि विष पदार्थों का भी बनाते हैं। तो यहाँ पे लीवर हमारी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। वो क्या करता है, जो विषैले पदार्थों को होता है उसको समाप्त करने का काम करता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये पित्त का स्तमन करता है। पित्त का स्तमन, जी दोस्तों, पित्त जो होता है ये क्या करता है, ये वसा के डाइजेशन में, वसा के पाचन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आप, जैसे कि आप जानते हैं कि पित्त का जो स्टोर होता है वो पित्ताशय में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट को जमा करने का भी काम करते हैं। जब ज़रूरत से ज़्यादा आपने मान लीजिए खाना खा लिया है और आपके ब्लड में ग्लूकोज हो जाता है, तो उसी समय क्या होता है कि इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, इंसुलिन उसी समय बनता है। खैर, इंसुलिन पेनक्रियाज द्वारा बनाया जाता है, बट मैं बताने समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इंसुलिन का जब उसी समय जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, और ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन ग्लूकोज को मैनेज करता है और फिर जाके ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन एक टाइप का स्टोरेज फॉर्म है जिसमें कि ग्लूकोज स्टोर होता है। इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि लीवर यूरिया का भी सिंथेसिस करता है, और यही यूरिया, क्योंकि अमोनिया जो प्रोसेस में जो जनरेट होती है वो बहुत ही हानिकारक होती है, तो उसका कन्वर्ट होना एक टॉक्सिक से कम टॉक्सिक में कन्वर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए उसका लीवर में यूरिया में कन्वर्जन हो जाता है, और ये यूरिया फिर जाके ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से फिर फिल्टर होके किडनी उसको मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है, वो लीवर में होता है। अब बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय एक टाइप की मिश्रित ग्रंथि होती है। कई एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, तो अग्नाशय है। यहाँ पे लैंगरहैंस की दीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में ही जो अभी मैंने डिस्कस किया था इंसुलिन हार्मोन, वो वहीं पे बनता है। इसमें कई सेल्स होती हैं जैसे अल्फा बीटा, मतलब 5 टाइप की डिफरेंट सेल्स होती हैं, तो उसमें बीटा सेल्स जो होती हैं उनका काम होता है इंसुलिन का प्रोडक्शन कराना। इसके साथ साथ पेनक्रियाज में क्या होता है कि लाइपेज, एमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन, ओट्रिप्सिन, ये सब भी एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि लाइपेज क्या करता है, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। एमाइलेज, एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अच्छे तरीके से इसको समझने के लिए हम अब यहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए, एक ये आपका पेनक्रियाज है जो कि स्टोमक के नीचे पाया जा रहा है। तो होता क्या है कि जब स्टोमक में, अभी मैंने जैसा कि बताया था थोड़ी देर पहले, कि स्टोमक में तरह तरह के जो पाचक रस होते हैं उसका डाइजेशन कराते हैं, और जब भोजन यहाँ से होके वो इस तरीके से आता है तो होता क्या है, गाल ब्लेडर जो कि पित्ताशय, जिसको पित्ताशय कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, पित्तरस ऐसे ऐसे करके इधर यहाँ पे आता है, और साथ ही जो पेनक्रियाज से जो भी मैंने यहाँ पे बताया आपको, लाइपेज, एमाइलेज, कैमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये सब आते हैं, और ये यहाँ पे मिल के, क्योंकि स्टोमक से सीधे भोजन जा रहा है छोटी आंत की तरफ, और यहाँ पे टोटल जब यहाँ से जो पेनक्रियाज से रस निकलता है उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं वो निकलते हैं गाल ब्लेडर से, यानी निकल के जो पित्त आ रहा है, ये सभी मिलके यहाँ पे टोटल डाइजेशन कराने का काम करता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि छोटी आंत में मैंने 3 भाग बताए थे, तो उसमें इस भाग में डाइजेशन प्रोसेस पूरा संपन्न होता है। अब बात करते हैं एमसीक्यू की, आइए सॉल्व करते हैं। पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है तो इसमें बताया है, पाचन क्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है वो मुख से स्टार्ट होती है। पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, UKPSC और RPSC एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, जी हाँ, छोटी आंत में।
पाचन नली की लंबाई कितनी होती है? आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, पहली स्लाइड्स में है 20 फीट। सिग्माकार कोलन किसका भाग है? ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, तो मैंने पढ़ाया भी है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट करें और हमें बताएं कि इसका आंसर सही क्या है। दोस्तों ब्लैक बोर्ड चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, और जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर देना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।